मेरे किशोर भाई, खबरदार खबरदार, बिना कर कफन चुकाए हुए कोई मुर्दा दाह संस्कार नहीं कर सकता, ये मेरे मालिक का हुक्म है। कौन हो? कौन हो जो लिप छिप कर श्मशान घाट में मुर्दा दाह संस्कार करने की कोशिश कर रही है? बिना कर कफन चुकाए हुए कोई मुर्दा दाह संस्कार नहीं कर सकता, यही मेरे मालिक का हुक्म है। कौन हो तुम जो इस काशी नगरी के उत्तरी दिशा में दाह संस्कार करने की कोशिश कर रही है? बिना कर कफन चुकाए हुए कोई मुर्दा दाह संस्कार नहीं हो सकता, कौन हो तुम जो आज एक लाश को लेकर के तू श्मशान घाट काशी नगरी में आई है, जलाना चाहती है इसे, कर ला और कफन ला, उसके बाद ही इस श्मशान घाट में मुर्दा दाह संस्कार होगा। मुर्दा जलेगा तो सही, लेकिन आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए माता एवं बहनों मेरी, बैठ जाइए। एक दृश्य है जिसे नहीं देखना हो जा सकते हैं, जिसको देखना है बैठ जाइए। ये मदारी वाला सपरिया वाला खेला नहीं है, बैठ जाइए। और आपके बच्चे जो है बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, छोड़िए बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। सुनते हैं मानव, जानवर नहीं सुनते हैं। मानव सुन लेते हैं, जानवर नहीं सुनते। मानव को अगर कह दीजिएगा कि आपको यहां बैठना है तो वो बैठ जाएगा। आप पर्दा को कहिएगा कि यहां बैठ जाओ तो बैठेगा। आप मानव है कि पर्दा है? लाज लगता है अपने अपनों को। अभी है गता है बैठिन जो है गए वही हमार के रोजे नौ छम रहे छी बहिन दाय सब मिलते रहे छ हमरा सब तइयो बैठे न के दाय है गए पार्टी में जाता है जरा नहीं मन छो घरो चली जो आइए सुनो। इस काशी नगरी में चांडाल हूं मैं, बहुत लहास आए, कितने का गड्ढे खोद चुका हूं मैं, लेकिन आज आज मैं देख रहा हूं कि एक औरत होकर के एक लाश को लेकर के तू अकेली आई है। क्या इस संसार में इसका कोई नहीं है? कोई
कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं। मैं किसे लेकर आता, कौन मेरे साथ आता, इस संसार में मुझे कोई नहीं। सुनो भिखारी, चांडाल हूं मैं इस श्मशान का, जो कर और कफन झुकाएगा वही यहां मुर्दा दाह संस्कार कर सकता है, यही मेरे मालिक का हुक्म है। मुझे कर चाहिए, लेकिन मैं कर कहां से लाऊं? अगर तुम्हारे पास कर कफन नहीं है, देख रही है इस गंगा नदी को, इस लाश को कच्चा उठा करके फेंक दूंगा इस गंगा नदी में, इस लाश को चील कौवे नोच नोच करके खाएगा। जलाना चाहती है तो मेरे पास समय नहीं है, कुछ पल के लिए इस लाश का मैं देखभाल कर सकता हूं। तू जा नगर समाज से कर मांग करके ले आ। क्या ये नगर समाज क्या कर और कफन नहीं, तो इस बच्चे की लाश को चील कौवे ने नोच नोच करके खाए। फेंक दूंगा मैं अपने हाथों से इस गंगा नदी में, जो कर और कफन नहीं देगा उसका लाश को इस शमशान में दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, यही मेरे मालिक का हुक्म है। काम कोई लिप छिप करके कौन से जा करके शमशान में अगर इस लाश का दाह संस्कार करना चाहती है, तुम्हारे पास कर नहीं है तो शमशान में मांग करके ले आ। कम से कम कर तो शमशान में मांग करके ले आ। जब तक तू मांग करके नहीं आएगी तब तक मैं इस लाश का देखभाल करूंगा। अगर तू नहीं आएगी तो देख रही है ये गंगा नदी, इस लाश को उठा करके मैं इस नदी में फेंक दूंगा। इसके लाश को चील कौवे खाएंगे, गीदड़ खाएंगे। तू इसकी मां है, कर ले आ तो मैं ही इसका
अंतिम संस्कार कर दूंगा।